नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NICL के द्वारा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था, और जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो AO की पोस्ट का निकाला गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई थी। और इसमें दो कैटेगरी थी, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट, इन दोनों को मिलाकर 274 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और जो इसके ऑनलाइन फॉर्म थे वो 2 जनवरी 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 22 जनवरी रखी गई थी। उसके बाद बच्चे इसके एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जिस भी बच्चे ने इसका फॉर्म भरा था, NICL का, AO का यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म भरा था, तो अब उसका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। उनकी अब सभी की एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जा चुकी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो NICL के द्वारा AO एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की पोस्ट का नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसकी अब एग्ज़ाम डेट निर्धारित की जा चुकी है। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें, अच्छे से करते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पे देख लीजिएगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये यहाँ का इनका एड्रेस है, कोलकाता। उसके बाद पोस्ट की बात कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1 की ये पोस्ट थी। 274 ये पोस्ट के ऊपर जो नोटिफिकेशन था ये निकाला गया था। और जो इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO की स्पेशलिस्ट की पोस्ट थी वो 142 पोस्ट थी, और जो जर्नलिस्ट की पोस्ट थी वो 132 पोस्ट थी। तो टोटल मिलाकर 274 के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो आइए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्दर टू द एडवर्टाइजमेंट डेट 29 दिसंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। तो ये 274 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें दो प्रकार की पोस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 की ये पोस्ट थी। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर ऑल कंसर्न्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी राजभाषा ऑफिसर शैल बी कंडक्ट ऑन 4 मार्च 2024 मंडे एट वेरियस सेंटर अक्रॉस इंडिया। तो ये जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था पोस्ट ऑफ हिंदी राजभाषा के लिए, अब उनका जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जो हिंदी भाषा, जिन भी बच्चों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था हिंदी राजभाषा के लिए, तो उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, 4 मार्च 2024 को सोमवार के दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड देयर कॉल लेटर अलोंग विद द इन्फॉर्मेशन हैंड आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। सेपरेटली लिंक फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर शैल बी मेड अवेलेबल एट वेबसाइट शॉर्टली। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बहुत जल्द 1 या 2 दिन में आपका जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। 20 फरवरी 2024 का ये नोटिस है, जारी किया गया है NICL के द्वारा। तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। आपकी अब हिंदी राजभाषा की जो एग्ज़ाम डेट है वो निर्धारित की जा चुकी है, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।